बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो आज के इस विजय श्री के आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी और करोड़ों लोग जो इस समय डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से आज के इस आभार कार्यक्रम में और विजयश्री के कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये ऐतिहासिक दिन, ये विशेष दिन जो आज भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव ने जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप में जिस कार्य को, जिस साधना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया, उस पर फिर से एक बार जनता ने मुहर लगा दी है। इसके लिए विशेष करके महाराष्ट्र की जनता, विभिन्न राज्यों में उपचुनाव की जनता और झारखंड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जब मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं और आज सवेरे जब नतीजे आने शुरू हुए, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना से होकर के आए हैं और दुनिया में, देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छाप छोड़ी। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि नाइजीरिया ने और गयाना ने आदरणीय मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है। यह हम सब के लिए गर्व की घड़ी है, गर्व का पल है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और भारत की छवि को जो मोदी जी ने दुनिया में पहुंचाया है, उसको दुनिया ने भी माना है और उसको सराहा है। मित्रों, ये जो जीत पिछले आज के दिन महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, उसने ये तय कर दिया कि जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने रखा, विकासवाद, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान,
इनको मुख्य धारा में शामिल करके आगे देश को ले जाना है, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है, यह भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, यह चुनाव इस बात का भी संदेश देता है कि जो लोग समाज को बांटने में लगे थे, बटने और बटाने में लगे हुए थे, जो लोग गुमराह करने में लगे हुए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है और प्रधानमंत्री जी का विकासवाद इसको फिर से देश ने सराहा है। कुछ दिनों से ये इंडी अलायंस को भ्रम पैदा हो गया था कि वह जनता को संविधान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर बांट करके वह अपना उल्लू सीधा करेंगे, वह सत्ता पर काबिज होंगे, वह सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे। ये भ्रम पैदा हो गया था। इस चुनाव ने और हरियाणा के चुनाव ने उनको जवाब दे दिया है और फिर से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का जनादेश हमें और यह भी हमको स्पष्ट बताता है कि महाराष्ट्र का जनादेश न कि सिर्फ हमको 2024 में मिला, जनादेश हमको 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में मिला था। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे जी की सत्ता के प्रति लोलुपता, मोह और अवसरवादिता ने उस समय धुपीछे धोखा देकर उस जनादेश का निरादर किया था और आज महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आदर देकर के उनको धत्ता दिखा करके यह संदेश दे दिया है कि जनता मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ है और हमारे एनसीपी के साथ है। मित्रों, आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगाड़ी को, ये जो महाअगाड़ी थी, इसको भी संदेश दे दिया है। और जब मैं संदेश देने की बात कहता हूं तो मुझे कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के चुनाव के पश्चात कि ये परजीवी पार्टी है, ये बेल की तरह, लता की तरह किसी के साथ चिपक जाती है और जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। इस चुनाव ने तो कांग्रेस पार्टी को खुद तो सुखाया ही सुखाया, परजीवी को, दूसरे को भी सुखा दिया और जो अगाड़ी के नतीजे हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं परजीवी के बारे में। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में एक नया शब्द इजात हुआ जिसे राजनीति में, जिसका उपयोग पिछले 70 साल नहीं हुआ था, क्योंकि 70 साल तक हम एंटी इनकम्बेंसी सुनते थे, आज हम प्रो इनकम्बेंसी सुन रहे हैं। और जब हम प्रो इनकम्बेंसी की बात कहते हैं तो गुजरात में 3 दशक तक कमल खिला है, कमल खिला है, कमल खिला है। मध्य प्रदेश में 2 दशक से कमल खिल रहा है और असम में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, यहां 2-2 टर्न, दूसरी टर्न भी भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का परचम लहरा रहा है। और महाराष्ट्र में भी इस बार रिकॉर्ड टूटा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में,
उसमें भी पहले हमारे पास सिर्फ 11 सीटें थी, आज भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीत करके आई और एनडीए 8 सीट जीत करके आई, 28 सीटें हम जीत करके आए हैं, और वह भी देश का मूड बताता है, देश का मन बताता है, जिसको हमको हमेशा समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, और कुंदरकी की सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई और वहां परचम लहराया है। राजस्थान में हमारे पास 2 सीटें थी एनडीए की, 1 सीट बीजेपी की थी, आज राजस्थान में 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में वहां सरकार चल रही है, वहां 4 सीटों पर चुनाव हुआ और चारों की चारों सीटें एनडीए ने जीत ली, ये हमको ध्यान में रखना है। जिसमें से एक सीट हम पार्टी ने रिटेन की, वहीं हमारे जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी से 1 सीट बेलमगंज की, वो 32 साल बाद एनडीए के पक्ष में गई और जेडीयू के पक्ष में गई। और उसी तरीके से हमारे शाहबाद इलाके में जो दोनों सीटें आरजेडी के कब्जे में थी, दोनों ही जगह कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी की सीट। असम में हमने 5ों की 5ों सीटें उपचुनाव में जीत ली, एनडीए ने पूरी की पूरी सीटें जीत ली। गुजरात में 1 सीट का उपचुनाव था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं थी, उसको भी पहली बार जीत हासिल कर ली और उसको भी जीत लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हमने अपनी 1-1 सीट रिटेन कर ली, और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सारी ताकत लगाने से, जो आप लोगों के सहयोग से, यह जीत हम सब लोगों को हासिल हुई है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जहां महाराष्ट्र की जनता को, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता को और हमारे झारखंड की जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वहीं मैं झारखंड में इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि वहां का मत हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है, हम वहां पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और देश को मजबूत करते हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ जो वहां पर विषय चला है उसको हम अंतिम स्तर तक लड़ेंगे और उसके बाद को हम उजागर करेंगे। मित्रों, मैं अंत में सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत की, अपने घर को छोड़कर महीनों महीनों चुनाव में लगे रहे और हर वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपकी मेहनत के लिए आप सबको मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी प्रकार से हम मेहनत करते हुए पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, यही मुझे कहना है। आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, वक्तव्य के लिए आतुर हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।